हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम वोकैब के वर्ड सीखेंगे वो सीखेंगे एक कॉन्वर्सेशन के माध्यम से, कॉन्वर्सेशन बिटवीन गर्ल एंड बॉय। तो आज का कॉन्वर्सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वर्ड्स भी थोड़े डिफिकल्ट हैं। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा मैकियाविलियन। मैकियाविलियन मीन्स होता है धूर्त। एवेसिव, एवेसिव मीन्स गोलमाल या टालने वाला। मतलब अक्सर आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते हैं कि आपसे कहते कुछ हैं और वो करते कुछ है, मीन्स बातों को गोल मोल कर देते हैं। अगर आप उनसे पूछते हैं कि क्या करना है तो वो आपको सही से नहीं बताएंगे, आपको बोलेंगे कि ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो दैट इज एवेसिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मालापर्ट। मालापर्ट मीन्स होता है बेशरम, धीट। तो अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो ये वर्ड तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, बिकॉज ये वर्ड का यूज तो आप बहुत ज्यादा करते हैं। दैट इज मालापर्ट। इस मीन्स धीट भी होता है, गुस्ताख भी होता है। इसके लिए एक नेक्स्ट वर्ड होता है सॉसी। सॉसी भी आप मालापर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मीन्स होता है कठोर, कठोर। दैट इज हार्श या वेरी स्टिफ, मतलब कितने कठोर हैं आप, कितने हार्श हैं आप। तो ये कॉन्वर्सेशन में भी चलता है स्ट्रिंजेंट। तो आज के जो हमारे वर्ड्स हैं आप ध्यान रखिए, ये वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं और इन डिफिकल्ट वर्ड्स को आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, और अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दे रहे हैं तो उसमें भी आपके बड़े काम आएंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेपियंट। सेपियंट का मतलब होता है चतुर। चतुर मतलब बुद्धिमान। इसको हम पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं कि आप बड़े ही बुद्धिमान है, यू आर वेरी सेपियंट, बुद्धिमान। चतुर या चालाक में आप इसका यूज नहीं करेंगे, आप इसका यूज करेंगे बुद्धिमान शब्द के लिए, मतलब आप किसी की तारीफ करने के लिए यूज कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है दैट इज लियरी। LEERY, लियरी। लियरी मीन्स चालाक, मतलब जिस पर बहुत सारी लेयर लगी हुई है, जिस इंसान के चेहरे के ऊपर बहुत सारे चेहरे लगे हुए हैं। कनिंग है, छली है, चालाक है। दैट इज कॉल्ड लियरी, मीन्स चालाक। कहता कुछ है, करता कुछ है और एक की दस बातें बोलता है, दैट इज लियरी। नेक्स्ट वर्ड इज गौकी। गौकी लियरी से बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। दैट इज बेवकूफ, पागल, जिसको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, जो जो कहता है वो कर देता है। बेचारा सा कह सकते हैं आप इसको, मासूम सा कह सकते हैं, बट बेसिकली इसका मतलब बेवकूफ के लिए होता है, जिसको कुछ नहीं पता होता, कुछ भी कह दो वो वही कर देगा। दैट इज गौकी। अनदर वर्ड इज एजाइल। एजाइल मीन्स होता है स्टिकिश या पर्की, मतलब बड़ा ही चुस्त, कि आप कुछ कहो वो फौरन से कर देता है, या फिर जिसका माइंड अगर बहुत तेज है तो उसके लिए भी वर्ड आप एजाइल यूज कर सकते हो। मींस एक प्रॉब्लम आई और प्रॉब्लम के साथ साथ उसने चार पांच उसके सॉल्यूशन बता दिए, दैट इज कॉल्ड एजाइल, मतलब वेरी वेरी स्टिकिश या पर्की। अनदर वर्ड इज एस्ट्यूट। एस्ट्यूट जो होता है वो चतुर के लिए यूज होता है, चतुर मतलब चालाक। इसको आप नेगेटिवली यूज कर सकते हैं, मतलब कि जिसको अपना काम निकलवाना आता है, बड़ा ही चतुर है वो, बड़ा ही चालाक है, मींस कि वो कुछ भी काम कर सकता है। दैट इज एस्ट्यूट, मतलब चतुर। अनदर वर्ड इज स्मार्मी। स्मार्मी मींस होता है आपका लाइक, यही इसका मतलब होता है स्मार्मी का भी, धूर्त। धूर्त मतलब चापलूस, जो इधर की बात उधर करता है, आपसे भी अच्छा बना रहेगा, सामने वाले से भी अच्छा बना रहेगा, लेकिन नीचे नीचे क्या करेगा, आप दोनों की लड़ाई करा देगा। चापलूस आपकी बात उसे बताएगा, उसकी बात आपको बताएगा, या आपकी बुराई उसे करेगा, उसकी बुराई आपको करेगा। दैट इज कॉल्ड स्मार्मी। तो ये सारे वर्ड्स आपने देखे बड़े ही इंटरेस्टिंग है, इन सभी वर्ड्स का हम प्रयोग करेंगे कॉन्वर्सेशन में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाला है। सो गर्ल और बॉय, पहले गर्ल बोलती है, हेलो जॉन, आई वॉज कॉलिंग यू अप फ्रॉम लास्ट 30 मिनट्स, वेयर यू आर, यू डिड नॉट रिप्लाई टू माई कॉल्स, यू आर नॉनचैलेंट। मतलब जॉन, मैं तुम्हें बहुत देर से कॉल कर रही थी, तुम कहाँ थे? यू डिड नॉट रिप्लाई टू माई कॉल, तुमने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया, यू आर वेरी नॉनचैलेंट। नॉनचैलेंट मीन्स निर्लज, सॉरी बेपरवाह। निर्लज कम यूज होता है इसका, इसका मीनिंग मेनली होता है बेपरवाह, जिसको कोई मतलब नहीं पड़ता, स्टेडी अविचलित। बॉय, आई कट योर फोन फॉर 15 टाइम्स, अगेन यू कॉल्ड मी अप, यू आर मालापर्ट। मैंने तुम्हारी कॉल्स को 15 बार काटा, लेकिन फिर तुमने मुझे कॉल किया, तुम बड़ी ही बेशरम हो, या ढीठ हो, या गुस्ताख हो। मालापर्ट का मतलब होता है ढीठ, बेशरम या गुस्ताख। सॉसी भी यूज कर सकते हैं इस वर्ड के लिए, मालापर्ट की जगह आप सॉसी भी यूज कर सकते हैं, बट सॉसी का मतलब हो जाता है केवल गुस्ताख। मालापर्ट का मतलब आप तीनों जगह यूज कर सकते हैं, गुस्ताख भी, ढीठ भी, बेशरम भी। हाउ स्ट्रिंजेंट यू आर, यू डिड नॉट आस्क मी व्हाट वॉज द अर्जेंसी एंड स्टार्टेड ब्लेमिंग मी,
तुम कितने कठोर हो, हाउ स्ट्रिंजेंट, तुम कितने कठोर हो, कितने हार्श हो, कितने स्टिफ हो। तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि क्या अर्जेंसी है, तुमने बस मुझे ब्लेम करना या मेरी बुराई करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मीन्स होता है कठोर या हार्श, जो कि कठोर हो, जिसको सामने वाले की किसी भी चीज से या किसी भी रोने से किसी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं हम कठोर, मतलब जिसको केवल अपने अपने से मतलब है, दैट इज स्ट्रिंजेंट। इसका मीनिंग हार्श और स्टिफ भी आप ले सकते हैं, मतलब स्टिफ या हार्श भी इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डिफिकल्ट वर्ड है जो आपको पेपर में आ सकता है, दैट इज स्ट्रिंजेंट। You are like that only. तुम तो ऐसे ही हो। Your friend was also telling me that you consider yourself very sapient. तुम ऐसे ही हो। तुम्हारी friend भी मुझे तुम्हारे बारे में बता रही थी कि तुम बहुत ही अपने आप को बुद्धिमान समझती हो। You consider yourself very sapient. तुम अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझती हो। सेपियंट का मतलब यहाँ पर पॉजिटिवली लिया जाता है, पॉजिटिव आप इसका प्रयोग कर सकते हैं पॉजिटिव गुण के लिए, लेकिन हाँ अगर आप किसी को कमेंट करते हैं तो तब भी आप सेपियंट कह सकते हैं। यू कंसिडर योर सेल्फ वेरी सेपियंट बट यू आर नॉट, तुम खुद को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझते हो बट तुम हो नहीं। हु ज्योति, कौन ज्योति, शी इज वेरी स्मार्मी, वो तो बड़ी ही चापलूस है, मतलब चापलूस इधर की उधर लगाना। I know what is in her mind. मुझे पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। She is very leery. वो बहुत ही चालाक है। यहाँ दो मतलब है, दो वर्ड है, स्मार्मी और लियरी। स्मार्मी मीन्स होता है चापलूस, लियरी मीन्स होता है चालाक। मीनिंग दोनों के मतलब अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो दोनों का मतलब है वो नेगेटिव यूज ही होता है। स्मार्मी भी नेगेटिवली यूज होता है और लियरी का भी यूज नेगेटिवली होता है। लियरी मीन्स चालाक, मतलब जो अपना काम निकलवाने में बड़ा ही चतुर हो, बहुत ही चालाक हो और जो बहुत ही मैनिपुलेटिव हो। यू सर्च द नेगेटिव पॉइंट्स इन अदर कैरेक्टर्स, एक्चुअली यू आर इवेसिव, तुम केवल दूसरों के कैरेक्टर में नेगेटिव पॉइंट ही ढूंढती हो, तुम बड़ी ही इवेसिव हो। इवेसिव मीन्स क्या होता है, खोटा, तुम खुद ही स्लाई हो, तुम खुद ही खोटी हो, मतलब तुम में ही बहुत सारी बुराई है और जबकि तुम दूसरों के अंदर बुराइयां ढूंढती रहती हो। तो यहाँ पर जो वर्ड है जो हमने नया सीखा है, दैट इज इवेसिव। इवेसिव मीन्स खोटा भी होता है और लियरी भी होता है, मीन्स कि है कुछ और दिखाता वो कुछ और है, दैट इज इवेसिव, खोटा, खुद उसके अंदर बुराइयां हैं। नाउ गर्ल इज सेइंग दैट हाउ मैकियावेलियन यू आर, मतलब हाउ मैकियावेलियन यू आर, तुम कितने धूर्त हो, तुम कितने कुटिल हो, तुम कितने चालाक हो। यू आर Having an affair with her and calling me an astute. तुम्हारा खुद का अफेयर उसके साथ चल रहा है और मुझे तुम चतुर बता रहे हो। So agile, तुम तो बड़ी चुस्त हो। I don't have any information about my affair, but you have got. मेरे को तो अपने अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं है बट तुम्हें पता लग गया। So you are very agile, तुम बहुत ही चुस्त हो, means चुस्त is active, active बहुत ज़्यादा active हो कि जो मुझे पता भी नहीं है मेरे ही बारे में बात, वही बात तुम्हें पता चल गई है, that is agile, agile means चुस्त। अब हमने देखा है कि यहाँ पे हमने 8-10 words नए सीख लिए हैं कि जो थोड़े से difficult भी हैं, जो daily life में use नहीं होते। Now girl is saying I don't want to talk to you, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, मतलब अब दोनों की लड़ाई हो गई। Boy as you wish, जैसी आपकी मर्जी, लड़का कहता है जो आपकी मर्जी। तो ये हमारा एक कॉन्वर्सेशन था जिसमें हमने लगभग 10 से 12 वर्ड्स नए सीखे हैं, उनका यूज भी सीखा है और कॉन्वर्सेशन के माध्यम से हमने उनको सीख भी लिया है हमें उनका प्रयोग डेली लैंग्वेज में कैसे करना है। तो इन सब शब्दों को आप एक कॉपी पर प्लीज लिख लीजिए और कॉपी पर लिखने के बाद उनको आप डेली लैंग्वेज में यूज भी कर लीजिए। साथ ही साथ अगर कोई भी जैसे कैरेक्टर से रिलेटेड वर्ड्स हैं, अगर आपकी लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में कोई भी बंदा आपको ऐसा मिलता है कि हाँ ये वर्ड उसके कैरेक्टर पर सूट करता है, तो आप उस वर्ड को उस इंसान से कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप मूवी देखते हैं तो मूवी का भी कोई कैरेक्टर आप इस वर्ड से ऐड कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स अगर आप ऐसे यूज करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद भी होंगे और इनका मीनिंग भी बड़े अच्छे से आपको जल्दी से पता लगेगा। और साथ ही साथ आप स्पोकन इंग्लिश में भी इनका यूज कर सकते हैं। और ये अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वर्ड्स बहुत ही आपके लिए जरूरी होंगे, बहुत ही लाभदायक भी ये वर्ड्स होंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनके मीनिंग आ जाते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको थोड़ी सी भी ये यूजफुल लगी होगी तो प्लीज इसको आप शेयर